आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ओके, तो स्टेटमेंट वन में क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये करेक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है अपना, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन चार्ज एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे रहते हैं, ये 2L होती है। एंड जो डाइपोल की डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है गाइस। और अपना जो पी वेक्टर होता है वो क्या होता है, पी अपना होता है क्यू ऑफ 2L। ठीक है, ये क्या होता है अपना डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो एस वन इज अवर करेक्ट। एस टू में क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ एज 1/r² एंड नॉट एज 1/r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल पोटेंशियल, डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है अपना, मीन्स अगर अपना ये डाइपोल है, इसके हमें इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है सेंटर से, जो कि r डिस्टेंस पर है। ठीक है, r डिस्टेंस पर है और ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता था अपना वो कितना होता था, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या होती थी अपनी डिस्टेंस, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, 1/r² के। तो वही तो बोल रहा है कि ये 1/r² से वेरी करता है, 1/r से नहीं। तो अपना ऑप्शन टू भी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन थर्ड में क्या बोल रहा है, दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल एट ए पॉइंट विद पोजिशन आर वैक्टर। ठीक है, इसका पॉइंट का आर वैक्टर है एंड डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ आर एज वेल एज एंगल बिटवीन आर एंड पी। तो करेक्ट है अपना, क्योंकि जो थीटा एंगल होता था ना, क्योंकि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैलकुलेट करने देते थे किसी भी जनरल पॉइंट पर, तो अपनी वो कितनी आती थी, वो आती थी अपनी के पी वाई आर क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1+3 cos²θ। ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे हम डाइपोल मोमेंट पे, वो आती थी ये, क्योंकि ये अपना ई आर मतलब रेडियल एंड ई थीटा का रिजल्टेंट होती थी। दोनों को निकाल कर हम उनका वेक्टरी सम करते हैं, तो ये आ जाती थी। तो ये मतलब पी पे भी कर रही है, आर के मैग्नीट्यूड पर भी कर रही है एंड थीटा भी कर रही है, थीटा पर भी डिपेंड कर रही है, मतलब दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो ऑप्शन थर्ड भी अपना करेक्ट है। ऑप्शन फोर क्या बोल रहा है, एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी डाइपोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स बट ए टॉर्क। तो गाइस ये भी करेक्ट है, क्योंकि मान लेते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, ये अपना इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, तो मान ये अपना ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पॉइंट पर अपना पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये अपना नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि चार्ज तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। फोर्स क्या होता है अपना क्यू ई। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स होने वाला क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब टॉर्क की बात आएगी तो इसका टॉर्क भी क्लॉक वाइज है और इसका टॉर्क भी क्लॉक वाइज है, तो टॉर्क अपना ऐड हो जाएगा। तो डाइपोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स बट ए टॉर्क, तो अपना ऑप्शन फोर भी करेक्ट हो गया। तो इस तरह चारों ऑप्शन अपने करेक्ट हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।